हम लोग जब भगवान का भजन करते हैं तो वीरत्व का स्मरण नहीं आता। सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता। प्रसादी लाओ। रोते ढिमलियाते कैसे भी कर लिए, बड़ी कृपा कर दी। समय की आवश्यकता है, बच्चों में वीरत्व का भाव भरो, तेजी भरो, ऊर्जा समन्वित करो और प्रयास करो। छोटे हो कि बड़े हो, मोबाइल रूपी जहरीले यंत्र से बच्चे बूढ़े सब दूर रहें। ये जहर है, जहर, ये मीठा जहर है, धीरे धीरे चाल देगा। आजकल देखिए नौजवानों के छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के तो चश्मे आ गए इतने मोटे कि आपकी उनकी आंख आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। कौन है? महाराज जी है। अच्छा, प्रणाम, बैठे यहाँ बुद्ध करा, प्रणाम। माताएं खास तौर से ध्यान रखें और वृद्ध जन, युवान भाई बहन, जरा मुखमंडल पर तेज आने दीजिए। ये यंत्रों से दूर रहिए, टीवी से दूर रहिए, जितना हो सके अपने को संभालिए। ये बच्चों में कहानियां भरो, रामायण जी की, महाभारत जी की, ये वीरत्व की कहानियां भरो। अनेक पुराण, नाना पुराण, निगमागम संबतम, संस्कार जगाओ। दादी माँ की कहानी, नानी माँ की कहानी, बच्चों, माँ कयाधु ने अंक में उपस्थित अपने पुत्र भक्तराज प्रहलाद को देवर्षि नारद से इतनी पुराण की कथाएं सुना दी। भक्तराज प्रहलाद भगवान के परम भागवत भक्त हो गए। माँ ने सुनवाया धनुर्धर गांडीवधारी अर्जुन से, तो अभिमन्यु कितने तेजस्वी हुए, चक्रव्यूह के छह द्वार तोड़ डाले। कहने का भाव यह है, भक्ति केवल लौटना नहीं सिखाती। ये रामकथा से निकाला है, निकाला है। वीरत्व का दर्शन करो और भगवान के वीर भाव का, भगवान के तेजस्वी भाव का, भगवान के त्याग का, वैराग्य का, भरत जी की अनुराग का दिव्य दर्शन पाई। यही जीवन की आवश्यकता है। प्रमाद का त्याग, आलस का त्याग। हाँ, अलसस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम, मधनस्य कुतो मित्रम, मित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या कहाँ, और जिसको विद्या नहीं उसको धन कहाँ। धन आएगा इधर का उधर कर देगा। विद्या ददात विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है, विद्या जीने का ढंग प्रदान करती है, विद्या समझने का विवेक जगाती है। इसलिए विद्या अनिवार्य है जीवन में। सभी को विद्या अनिवार्य है। बिहार में आए हैं, बिहार सरकार से मेरी प्रार्थना है इतने उद्योग लगा दो कि बिहार के लोग बाहर जाना बंद करें। बिहार गवर्नमेंट कम से कम ये करे, अरे कितने प्रकार के उद्योग लगा, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, करना धरना कुछ नहीं। हमारे प्रदेश के अधिकतम मजदूर बाहर जाते हैं और क्या क्या स्थिति रहती है देखते में संकोच होता है। कोई कहते हैं परिचय तो हो ही जाता है, तनिको भोजपुरी बोले तो पकड़े, कहाँ घर बा, पटना, हमरो सिवान छपरा घर, यहाँ कैसे आए, पाल बच्चे। तो इसलिए बिहार सरकार से मेरी प्रार्थना है, समय रहते इतने उद्योग लगने चाहिए कि सब लोग अपने देश में, अपने प्रदेश में ही सारा व्यवहार करें, बाहर जाने की आवश्यकता क्या है। आपको आश्चर्य होगा, देश के सबसे अधिक आईएएस बिहार प्रांत के। अब पता नहीं अपने प्रदेश के लिए कुछ करते क्यों नहीं है, मेरे समझ में ये नहीं आता। जो जाता है उधर ही रह जाता है, इधर अब तो लौटते नहीं है।
सभी लोग थोड़ा थोड़ा करें तो उसका फल प्रदेश को प्राप्त होता। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी के निवेदन पर, स्वर्णमयी लंका अपि मे न रोचते, लक्ष्मण जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम लोग उत्तर प्रदेश में चार कथाएं करते हैं, करते हैं ना, बाहर तो जाते नहीं। ये इतना दिव्य, इतना सुंदर, इतना शुष्क क्षेत्र तो किसी प्रदेश के पास नहीं है जितना हमारे बिहार के पास है। इतना सुंदर वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस ये ही करने के व्यवहार नहीं है, खटर पटर करते रहते हैं। यहाँ कमाते हैं, दूसरे प्रदेश में ले जाके घर बनाते हैं। क्या होता है किशोर जी, वो यहाँ बनना चाहिए, यहाँ चमकना चाहिए, है? चमक दमक फुलवन में मग सब कुछ नाद तुम्हें ते है। खूब हम लोग बड़े प्यारे हैं हो, हमारा जो ये प्रांत है क्या गुलाब है, कमल है। भगवान सबको प्रेरित करे, ऐसी रचना बने मेरी प्रार्थना है। और तो क्या कहें, हमारे ठाकुर जी की पावन प्रेम स्थली है ये। अब तो चला गया उधर, नहीं तो कितना दिव्य विहार स्थली है, अद्भुत। तो सात कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, मानस के सात कांड हैं, सात सोपान हैं, सात विश्राम स्थली है। नवाह करे तो नौ जगह विश्राम स्थली है, मांस पराण करे तो 30 जगह विश्राम स्थली है। जहाँ जहाँ सरकार लीला को समन्वित स्वरूप सहज अवस्था प्रदान करते हैं, वहाँ वहाँ प्रभु विश्राम करके भागवतों को आनंद रस दे रहे हैं।